सही तरीके से डिसाइड नहीं किया कि आपके राइट कंज्यूमर तक आपकी मार्केटिंग कैसे पहुँचे आप मतलब जाने अनजाने में मार्केटिंग के नाम पर हम एडवर्टीजमेंट करना शुरू कर देते अगर आप सही तरीके से मार्केटिंग करें तो लास्ट में कॉमन एंड जेरी शो की तरह आपकी भी फ्रेंडशिप अपने कस्टमर से हो सकती है जी जो कहते हैं वो करते हैं मैंने उनकी एक क्लास पहले भी लिया है और डेफिनेटली मैंने लाइफ में चेंजिंग देखे हैं उनको फॉलो करते हुए डॉक्टर अमित महेश्वरी इतनी एनर्जी लगाते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे भी अपने अपना जो भी मैं प्रोफेशन करता हूँ उसमें भी मुझे अपनी एनर्जी पूरे के तरीके से लगानी चाहिए यहाँ पर आने से मुझे मेरे पर्सनल प्रोफेशन के अंदर भी कम से कम सात आठ लोग मिल गए तो शायद मेरे फ्यूचर क्लाइंट्स बन गए अमित महेश्वर जी की एक बात सबसे अच्छी ये लगी कि अभी तक उन्होंने जितनी भी ट्रेनिंग्स या जितने भी सेमिनार किए हैं

हमारे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पहुँचे और न केवल इन्फॉर्मेशन पहुँचे वो हमारे शोरूम पर हमारी शॉप पर हमारे आउटलेट पर आए और हमारे प्रोडक्ट को लेकर जाए कुछ ऐसा बताओ तो ये बात सबको पता है कि अगर भाई आप बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट भी डेवलप कर लें बना लें मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट की इन्फॉमेसन कंज्यूमर तक नहीं पहुंचेगी, तो कंज्यूमर्स को खरीदने वाले वाला नहीं है चाहे आपका प्रोडक्ट कितना भी बेहतर हो इसके लिए ज़रूरत क्या है सही तरीके से मार्केटिंग करने की और बहुत लोगों ने कमेंट करके ये भी कहा कि सर आपके बताने पर हमने मार्केटिंग तो शुरू कर दी पर मार्केटिंग से वो रिजल्ट नहीं आ रहा जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कुछ ऐसा बताओ कि हमारी मार्केटिंग हमारे लिए ठीक तरीके से काम करे तो फ्रेंड्स आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं वाई मार्केटिंग इज नॉट वर्किंग फॉर यू आपने मार्केटिंग तो शुरू कर दी पर मार्केटिंग का सही चैनल आपने डिज़ाइन नहीं किया सही तरीके से आपने प्रोसेस नहीं किया सही तरीके से डिसाइड नहीं किया कि आपके राइट right कंज्यूमर तक आपकी मार्केटिंग कैसे पहुंचे आपके प्रोडक्ट की जानकारी कैसे पहुंचे मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है अगर इससे पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर चेक कर लें क्योंकि वहां पर इस वीडियो से संबंधित बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कि आपका जो बायर है ना उसका डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक जो थ्योरी है वो कैसे काम करती है अगर उस बात को आप ठीक से समझ लेंगे तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत काम का होने वाला है तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कि अगर आपके लिए मार्केटिंग काम नहीं करती तो आपको क्या करना है पहली बात ना आपको अच्छे से समझना होगा कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट दोनों बिल्कुल अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं अभी कई बार हम गलती क्या करते हैं हम ये सोचकर एडवर्टीजमेंट करते हैं कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं हम विज्ञापन करते जाते हैं लेकिन वो विज्ञापन कंज्यूमर को वैसे अप्रोच नहीं कर पाता जैसे अप्रोच मार्केटिंग के जरिए होना चाहिए मतलब जाने अनजाने में

प्रोडक्ट के एक ब्रांड इमेज क्रिएट करने का काम करते हैं ब्रांड का रिकॉल का काम करते हैं लेकिन मार्केटिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है मार्केटिंग का काम क्या है कि मार्केटिंग इज़ नॉट एन एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग इज़ रिलेटेड टू एंगेजमेंट विद कस्टमर आप कुछ ऐसा करें जहां आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट या आपके ब्रांड या आपकी कंपनी के साथ एंगेज हो जाए और वो कब हो सकता है जब आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे नंबर वन अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं ना तो समझ लीजिए आपको कंज्यूमर की ज़रूरत के हिसाब से उसकी डिजायर में वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा उसकी नीड को समझना पड़ेगा आपको क्या करना है सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम देना है आप देखिए बहुत सारी कंपनीज रूटीन एडवर्टीजमेंट करती हैं और बहुत सारी कंपनीज इंफॉर्मेटिव एडवर्टीजमेंट करती हैं क्या, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है मतलब उन्होंने ये कहा है कि आप जिस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें नमक नहीं है तो हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको नमक वाला टूथपेस्ट देता है है ना तो ये एक तरीका क्या है कि एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के माध्यम से या कंज्यूमर के मन में डर पैदा करके कहीं ऐसा ना हो आपके घर में किसी को हार्ट अटैक हो जाए सफोला इस्तेमाल करें इसीलिए जरूरत क्या है आप ये देखिए आइडेंटिफाई कीजिए कस्टमर की नीड क्या है या उसकी प्रॉब्लम क्या है या उसका पेन पॉइंट क्या है और या आपके पास उसकी जरूरत के हिसाब से क्या बेहतर सोल्यूशन है तो आपको क्या करना है उसकी नीड डिजायर रिक्वायरमेंट एंड पेन पॉइंट को समझते हुए अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को डिजाइन करना है और मार्केटिंग का मतलब तो हमेशा ये नहीं होता कि आप यूनिपोल या लीफलेट ब्रोशर न्यूज़पेपर ये सब एडवर्टीजमेंट का पार्ट है मार्केटिंग का मतलब है आप कंज्यूमर तक सीधा किसी भी संपर्क के माध्यम से अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पहुँचाएँ उसकी ज़रूरत को समझें और उसको अपने आने के लिए प्रेरित करें या प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उसको मोटिवेट करें तो उसके लिए आपको कस्टमर की नीड समझनी होगी डिज़ायर रिक्वायरमेंट एंड पेन पॉइंट अब इन सभी चीज़ों को करने के लिए ना बहुत सारे लोग आज भी आउटडेटेड फार्मूलाज का इस्तेमाल कर रहे हैं आउटडेटेड मेथड यूज़ कर रहे हैं अभी आउटडेटेड मेथड क्या है आज से पंद्रह साल पहले ना हम हमारे इंस्टीट्यूट में एडवर्टीजमेंट किया करते थे कोल्ड कॉलिंग के जरिए बल्क एस के जरिए बल्क मेल के जरिए ये एक आउटडेटेड मेथड है लेकिन ऐसा नहीं है कि इस आउटडेटेड मेथड से रिजल्ट नहीं आता रिजल्ट तो इससे भी आता है लेकिन यहाँ क्या होता है स्लो रिजल्ट एंड लो रिजल्ट मतलब रिजल्ट तो आता है पर बहुत स्लो होता है क्योंकि जब आप कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं तो आपको ये पता ही नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति को उस प्रोडक्ट या उस सर्विस की ज़रूरत है भी या नहीं जब आप बल्क मेल कर रहे हैं तो आपको ये पता ही नहीं है कि वो व्यक्ति उस प्रोडक्ट का यूज़र हो भी सकता है या नहीं फॉर एग्जाम्पल आज मुझे कोई व्हाट्सएप या मेल आए या एस आए कि क्या अपना वज़न घटाना चाहते हैं तो मेरे लिए वो यूजलेस मैसेज होगा है ना या एक बहुत मोटे व्यक्ति को एक मैसेज पहुंच जाए कि आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है सामने वाला कस्टमर कौन है उसकी नीड क्या है उसकी डिजायर क्या है उसकी डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक प्रोफाइल क्या है तो आपको वो सारी चीज़ें समझनी होगी इसीलिए हमें आउटडेटेड मैथड्स का इस्तेमाल नहीं करना है अगर करना भी है तो आपको क्या होगा स्लो रिजल्ट और लो रिजल्ट मिलने वाले हमें इस बात को भी समझना होगा कि कहीं हम क्राइसिस बेस या रिएक्टिव मार्केटिंग तो नहीं कर रहे हैं पहले इस बात को समझ लेते हैं आप क्राइसिस बेस मार्केटिंग का मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग क्या करते हैं पहले मार्केटिंग करते हैं फिर लीड जनरेट करते हैं फिर फॉलोअप करते हैं फिर प्रोस्पेक्टिंग करते हैं प्रोस्पेक्टिंग क्लाइंट के साथ जो बचे हुए क्लाइंट हैं उनसे डील क्लोज करते हैं फिर मेटेल डिस्पैच करते हैं फिर बिलिंग करते हैं फिर वो सारे साइकिल में फंसे रहते हैं तो ऐसे में हम रेगुलर मार्केटिंग नहीं कर पाते मतलब प्रोएक्टिव तरीके से मार्केटिंग नहीं कर पाते जिसकी वजह से जब हमारा बिजनेस क्राइसिस में आने वाला होता है तब हम मार्केटिंग करना शुरू करते हैं और मार्केटिंग का रिजल्ट इंस्टेंट नहीं होता इट टेक तो आपको क्या करना है सितंबर मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर पूरे साल का एक शेड्यूल आपके पास होना चाहिए कि, कि किस किस महीने में आप कितनी कितनी मार्केटिंग का बजट स्पेंड करने वाले हैं ताकि आपको रेगुलर बेसिस पर लीड जनरेट हो क्राइसिस बेस्ड मार्केटिंग हमें नहीं करनी अचानक समस्या में आने के बाद समस्या का समाधान नहीं ढूंढना हमें ऐसा समाधान ढूंढना है कि समस्या हमारे सामने आए ना नेक्स्ट रिएक्टिव मार्केटिंग भी नहीं करनी और रिएक्टिव मार्केटिंग का मतलब है कस्टमर की किसी भी तरह से लीड जनरेट हो गई ना हम पहले ही क्राइसिस में तो हम फोर्सफुली अपने प्रोडक्ट की जानकारी वहाँ पहुँचाना चाहते हैं और जबरदस्ती ये है चाहते हैं कि डील हो जाए एक तरह से कस्टमर को पकड़ने का प्रयास करते हैं वो टॉम एंड जेरी शो देखा है आपने टॉम एंड जेरी दोनों दोस्त होते हैं लेकिन किसी भी एक चीज़ को लेकर ना वो एक दूसरे का पीछा करते रहते हैं वो बिल्ली हमेशा उस चूहे को पकड़ना चाहती है और चूहा हमेशा उससे बचना चाहता है लेकिन अगर आप सही तरीके से मार्केटिंग करें तो लास्ट में टॉम एंड जेरी शो की तरह आपकी भी फ्रेंडशिप अपने कस्टमर से हो सकती है उसके लिए जरूरत क्या है इन बातों का ध्यान रखना चैनल ऑफ मार्केटिंग का जो सिलेक्शन है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ में आपके बिजनेस को तेजी से ग्रो करने में आपको करना क्या है सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट करनी है वो भी रेगुलर बेसिस पर फ्रेंड्स एक बात को समझ लीजिएगा आज के आधुनिक युग में ना हर व्यक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है कम से कम व्हाट्सएप फेसबुक से तो जुड़ा ही हुआ है तो आपको सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करना है अपने कस्टमर की जरूरत के हिसाब से सही तरीके से कस्टमर को पिच करने में और वो किस तरह से होती है वीडियो एडवर्टीजमेंट के फॉर्मेट में ऑडियो एडवर्टीजमेंट के फॉर्मेट में कंटेंट के फॉर्मेट में इमेजेस के फॉर्मेट में इमोशनल प्रमोशनल एंड इंफॉर्मेशनल वे में आपको कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचानी है ऑफलाइन मीट्स भी आप कर सकते हैं जितनी भी लीड आपने जनरेट सोशल मीडिया से की है उन लोगों से पर्सनली मिलने का प्रयास करें चाहे आप या आपके मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव उसके अलावा स्पेसिफाइड मीट्स होती हैं आज बिजनेस को लेकर ना बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस मीट्स करती हैं तो आपको बिजनेस मीट्स में पार्टिसिपेट करना है वो बी टू बी बिजनेस मीट भी होती हैं बी टू सी भी होती हैं बी टू जी भी होती हैं रेफरल जनरेशन प्रोग्राम भी होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करना है पावर ऑफ रिकमेंडेशन का इस्तेमाल करना है आपके सेटिस्फाइड कस्टमर जब आपको रिकमेंड करते हैं ना किसी व्यक्ति को तो आसानी से वो डील क्लोज हो जाती है क्यों क्योंकि आपकी विश्वसनीयता आपके प्रोडक्ट की विश्वसनीयता और उस व्यक्ति की विश्वसनीयता उसमें जुड़ी होती है जिस व्यक्ति ने आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है और जिस व्यक्ति को रिकमेंडेशन दिया है उसके अलावा रेफरल मार्केटिंग का इस्तेमाल करना जो आपके सेटिस्फाइड क्लाइंट हैं उनसे प्रोएक्टिवली आप अपने लिए रेफरल मांगना शुरू करें हम ये देखते हैं कि सौ हमारे सेटिस्फाइड क्लाइंट हैं और हम सोचते हैं कि जो हमारा सेटिस्फाइड क्लाइंट है ना वो अपने आप हमें रेफरेंस देगा ऑन एन एवरेज आउट ऑफ 80 परसेंट ट्वेंटी परसेंट ऑफ द सेटिस्फाइड क्लाइंट हमें रेफरल देते हैं और वो भी जब जब कोई व्यक्ति उनसे रेफरल लेना चाहता है लेकिन अगर हम प्रोएक्टिवली रेफरल मांगना शुरू कर दें तो जो एट्टी बचे हुए और लोग हैं ये भी हमें रेगुलर बेसिस पर रेफरेंसेस दे सकते हैं तो हमें करना क्या है प्रोएक्टिवली रेफरेंसेज मांगने हैं अपने सेटिस्फाइड कस्टमर से अपने हैप्पी कस्टमर से तभी आप कहेंगे कि मेरी सही तरीके से मार्केटिंग हो पा रही क्योंकि जब आपका कस्टमर ही आपका लॉयल कस्टमर बन जाए और आपका कस्टमर ही आपको रेफरेंसेस देना शुरू कर दे तो समझ लीजिए आपने सही तरीके से मार्केटिंग कर ली है तो फ्रेंड्स ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आप आसानी से ये चीज़ का डिसीजन ले पाएंगे कि जो मार्केटिंग मैं कर रहा हूँ उससे मुझे डिजायर्ड रिजल्ट हासिल हो रहा है या नहीं हो रहा है अगर नहीं हो रहा है तो आपको जरूरत है इन सभी स्टेप्स को फॉलो करने है। और को की और एक बिजनेस को एक्सपेंशन की ओर ले जाने की इसके अलावा बिजनेस से रिलेटेड आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो वो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें आने वाले वीडियोस में आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा और अगर आपके पास कोई बेहतर सुझाव है कि सर ऐसे मार्केटिंग और की जाए तो अच्छी लीड जनरेट हो सकती हैं और हम सही तरीके से बाहर तक पहुँच सकते हैं तो वो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे स्वस्थ रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ जय हिंद जय भारत